एक साथ, इसको माला कहते हैं। और अगर इस सब मोतियों को अलग कर दिया जाए तो क्या कहेंगे इसको, बोलो। इसलिए जैनत्व के धागे में जितनी भी समाज इस माला की तरह बंध जाओ, इसका नाम वात्सल्य है, इसका नाम धर्म है। एक मोती को कोई फेरेगा नहीं, और जब बन जाता है इसको माला, इसमें कितनी ताकत होती है। ये माला तुम्हारे लिए माला माल कर देती है, करती कि नहीं? माला फेरने से माला माल होता कि नहीं होता है? ऐसे जिस दिन समाज इस माला की तरह बन जाएगी, पूरे देश की समाज माला की तरह फिर जाएगी, उस दिन हमारी समाज माला माल हो जाएगी हर क्षेत्र में। इसमें हर क्षेत्र में वात्सल्य है। सोचिए, विचार कीजिए, ऐसा वात्सल्य हमारे जीवन में जगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जरूरत भी है, आज इसी वात्सल्य की जरूरत है। आज प्राणी के हृदय रूखे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? आज कहते हैं ना, हृदय के अंदर पानी नहीं है। पानी का मतलब धारा नहीं है, सूखा हृदय है तुम्हारा। और हृदय जिस दिन सूख जाए तो क्या होता है, बोलो, समझ रहे ना? हृदय सूखने ना पाए, वात्सल्य ही कहता है, हृदय सूखने नहीं पाए, हृदय हरा भरा बना रहे। अगर हृदय हमारा हरा भरा बना रहेगा तो हम सबको हृदय से लगाते रहेंगे, इस बात का हमें ध्यान में रख करके चलना है। ये प्रवचन वात्सल्य भावना ये तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारणभूत है। अभी तक हमने 15 भावना देखी है, और 15 भावनाओं का समूह आज प्रवचन वात्सल्य में आता है। प्रवचन वात्सल्य है तो सभी भावना है। अरे वात्सल्य होगा तो तुम साधु समाधि कर पाओगे, वात्सल्य होगा तुम मैयावृत्ति कर पाओगे, वात्सल्य होगा तुम भक्ति कर पाओगे, गुणानुराग कर पाओगे, वात्सल्य होगा दर्शन विशुद्धि होगी, वात्सल्य होगा तभी विनय कर पाओगे, वात्सल्य होगा वृतों के प्रति तभी तुम वृति चारित्रधारियों की विनय कर पाओगे, या चारित के पथ पर भी चल पाओगे, चारित का विनय भक्ति कर पाओगे, वात्सल्य होगा। शेष भावनाएं याद करो। इसलिए वात्सल्य का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत जरूरी है। आज देखो, घर घर में, समाज समाज में अगर कहीं टूटन फूटन हो रही है तो इसी का अभाव है। एक काम करो, इस वात्सल्य की रसधार को लेकर के छिड़क दो। क्या करो? छिड़क दो, ताकि वो वात्सल्य की रसधार से सभी जुड़ जाएं। क्या हो जाएं? जुड़ जाएं। और जुड़ने की आवश्यकता है। देखो ना, जुड़ने का, वात्सल्य का कितना बड़ा प्रभाव होता है। अगर राम वनवास काल में है, राम लक्ष्मण वनवास काल में, राम लक्ष्मण सीता, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा गया है, वो बलभद्र राम 14 वर्ष के वनवास में गए, वो 3 ही थे, लेकिन बाद में, बोलो, इतनी अक्षौणी सेना जहां जहां कदम रखते गए वो सब उनके वात्सल्य के द्वारा सब जुड़ते चले गए। इसके द्वारा, इसलिए वात्सल्य एक चुंबकीय शक्ति है। वात्सल्य एक चुंबकीय शक्ति का नाम है, चुंबकीय आकर्षण का नाम है। पशु पक्षी भी जुड़ते चले गए, त्रियंश प्राणी भी उनके हो गए। क्या हो गए? त्रियंश भी उनके हो गए। विचार तो करो, जितने राजा थे जहां जहां भी वो सम्राट, सब हाथ जोड़ करके उनके पास आ गए और उनके साथ सब सहयोगी बन गए। आगे तो जितने भी थे और रावण से सब टूटते चले गए। देखिए, क्योंकि रावण के अंदर अहंकार था, और रावण की अहंकार ने क्या किया, सबको तोड़ दिया, अपने भाई को भी तोड़ दिया, वो भी जाकर के वहां पहुंच गया। धीरे धीरे जितने राजा थे, मित्र थे जितने भी, वो सब टूटते चले गए और वात्सल्य के द्वारा सब वहां जुड़ते चले गए।
राम की विशाल सेना तैयार हो गई, रावण की सेना कम हो गई धीरे धीरे, और अहंकार ने तोड़ दिया। रावण को अगर किसी ने तोड़ा है तो अहंकार ने तोड़ा है। और जब जब भी किसी को जोड़ा है, युद्ध बनाया है, तो वात्सल्य ने बनाया है। प्रेम जाकर प्रेम न संचरे, हाँ, जिस घर में प्रेम संचार नहीं करता है वो मरघट के समान हो जाता है। और जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है। क्या है? जहां प्रेम है वहां स्वर्ग है, और कहीं स्वर्ग नहीं होता। आनंद आता है, रस मरसता है। अगर तुम्हारे अंदर रस धार बह रही है तो देखो तुम क्या रस आता है। जब साथ में बैठकर के भोजन करते, पूरा परिवार एक साथ बैठकर के भोजन करता है प्रेम वात्सल्य के साथ, अगर वो रूखा सूखा भोजन भी करता है तो उसमें भी रस रहता है। और तुम पृथक होकर के रसमलाई भी खाओ ना, तो उसमें भी रस नहीं मिलेगा। हाँ, रस किसका होता है? प्रेम का। अगर वो प्रेम से तुम्हें भोजन कराया है ना, तो रूखा सूखा अमृत का काम करता है। और तुम्हें गुस्से में खिला दिया किसी ने, प्रेम भावना नहीं है, रूखा हृदय है, और रख दिया खा लो छप्पन भोग, कोई काम के नहीं छप्पन भोग, कोई काम के नहीं है, कोई काम नहीं करेगा उसमें, कोई रस नहीं होगा। ध्यान रखना, प्रेम का रस जहां भी होता है, हर जगह प्रेम का रस चाहिए। प्रेम की चाशनी देखो डाल करके, सब मीठा हो जाएगा। और कितनी भी चाशनी डाल दो तो भी आपको प्रेम से भोजन करा के देखो, आराम से पेट भर जाएगा, लगेगा हाँ आज अच्छा लगा, और तुमने खूब अच्छा अच्छा खिलाया है, लेकिन प्रेम था ना, ड्यूटी भजा दी, क्या होगा? कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है। किसके हाथ का? माँ के हाथ का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि माँ सिर्फ भोजन नहीं परोसते, अपना ममत्व भी परोसते है। क्या परोसते हैं? माँ अपना ममत्व भी परोसते हैं। इसलिए जितने आहार देते हैं ना, आहार देते समय वो सब माँ है। शास्त्र में लिखा है माँ है, और माँ शिशु का जैसा ध्यान रखती है, वैसे ही समाज रूपी माँ साधु का ध्यान रखती है। कौन सी माँ? समाज रूपी माँ, समाज माँ है, और साधक उनके बेटे हैं। अब अपने बेटों को कैसे ध्यान रखना, कैसे संभालना, ये समाज का कर्तव्य है। वात्सल्य है वो साधु, वात्सल्य से प्रेरित होकर के समाज को भी संभालते हैं। देखिए, एक दूसरे के पूरक के, समाज को दिशा निर्देश देते हैं, संस्कार देते हैं, धर्म के पथ पर जोड़ते हैं, ये उनका वात्सल्य है। और उनकी साधना में सहयोग करना, ये समाज का वात्सल्य है। एक दूसरे का पूरक है। तो हम ऐसे वात्सल्य हृदय के साथ आज रोड तीज है, हाँ रोड तीज है, व्रत करते हैं लोग, कहीं कहीं त्रिलोक तीज करते हैं, कहीं रोड तीज करते हैं। त्रिलोक तीज भी व्रत होता है, रोड तीज भी व्रत होता है, जहां पर 24 तीर्थंकर की आराधना की जाती है, जिसमें हाँ 24 तीर्थंकर की आराधना जिस व्रत में की जाती है उसका नाम त्रिलोक तीज है। उसे रोड तीज भी, उसमें भी 24 तीर्थंकर की आराधना की जाती है। और वो आराधना क्या है? देखिए, धर्म के प्रति अगर स्नेह है तो सफल है, और धर्म के प्रति जब स्नेह नहीं होता है उसका परिणाम क्या निकलता है पता है आपके लिए? आप जब रोड तीज की कथा पढ़ोगे ना, पढ़ते होंगे ना,
जो करते हैं वो करते हैं। परिणाम कुछ ऐसा व्रत मिल जाए, कुछ ऐसा व्रत मिल जाए, उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, मैं उपवास नहीं कर सकता, हे भगवान कुछ ऐसा व्रत बतला दीजिए जिसमें मैं कुछ खा सकूं। खाने वाला व्रत कौन सा? खाने वाला व्रत, अभी खाने वाला व्रत बतलाना सब तैयार हो जाते, त्याग करने वाला व्रत मत बतलाना। अगर त्याग करने वाला व्रत बतला दोगे तो फिर दिक्कत होगी। समय आपका हो गया है, रोड तीज व्रत कथा। उसका बहुत विस्तार है, उसकी चर्चा। तो वात्सल्य अंग हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वात्सल्य हृदय की धारा जोड़ने का काम करो, सधर्मियों के प्रति हमेशा सहयोग की भावना होना, समन्वय की भावना जोड़ना। ये नहीं कि हम बड़े हैं छोटों के प्रति या हम छोटे हैं उनके प्रति, सबके प्रति क्या होना, सबके प्रति। अहंकार में नहीं भूलना कि हम छोटे को भूल जाएं, ये भी नहीं, भूलना भी नहीं है और भूलना भी नहीं है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो, साधर्मी साधर्मी हैं। निहारो सबके अंदर, सबके अंदर निहारो, क्या आत्मशक्ति है, सबके अंदर चेतन भगवान निहारो। क्या निहारो? सबके अंदर चेतन भगवान है, और जिस दिन तुम सबके अंदर चेतन भगवान को निहारने लग जाओगे, उस दिन किसी का तिरस्कार नहीं करोगे, अपमान नहीं करोगे, वात्सल्य बहेगा सबके अंदर। देखो ना, वात्सल्य की दृष्टि होती है तभी दिखाई देता है, और वात्सल्य की दृष्टि नहीं है तो क्या दिखाई देगा। कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए ऐसे मिलो, ध्यान देना, ऐसे मिलो, ऐसे मिलो जैसे दूध और पानी मिल जाता है। वात्सल्य किसका नाम है? बस छोटी सी बात कर रहा हूं आपसे, ऐसे मिलो जैसे दूध पानी मिल जाता है। पानी ने कहा दूध से, दूध तुम्हारी कीमत तो बहुत है, सब लोग तुम्हें चाहते हैं, यानी बहुत कीमत है, लेकिन मेरी। पानी ने, दूध ने कहा आओ मित्र, क्या कहा? आओ मित्र, मैं तुम्हें हृदय से लगाता हूं। और दूध ने पानी को हृदय से लगा लिया, इसी का नाम वात्सल्य है। और हृदय से लगाया क्या, उसको अपने में मिला लिया, अपने में मिला लिया, मिल गया। दूध पानी की तरह समाज में मिलना चाहिए, इस प्रकार मिलन होना चाहिए। ऐसे मिल जाओ दूध पानी की तरह, मित्र बनो तो ऐसे। क्या करो? वात्सल्य सबको मित्र बनाता है और अहंकार सबको शत्रु बनाता है। मिल गया, देखो मित्रता, देखो आपस की मित्रता बतला रहा हूं। जब तपेले में दूध गर्म करने के लिए रखा गया तो क्या हुआ? दूध जब गर्म होने लगा तो पानी छनकने लगा। अब दूध को अपने मित्र की चिंता हुई कि पानी को जला डालेगी अग्नि, तो क्या किया? दूध ने उफान ला दी, दूध ने उफान ले, उफनने लगा दूध। किसको? अग्नि को जलाने के लिए, कि मेरे मित्र को तुम जला रहे हो। और जैसे ही दूध उफान भरा तो क्या किया आपने? थोड़ा सा जल के छींटे, जल के छींटे, पानी डाल दिया उसमें। और जैसे ही पानी डाला तो दूध शांत हो गया, क्योंकि दूध याद आ गई, ये तो मेरा मित्र है, और मित्र को देख करके शांत हो गया। इस प्रकार की मित्रता,
दूध पानी की, इसका नाम क्या है? वात्सल्य है। ऐसा गुण होना चाहिए, परिवार में हो, संघ में हो, कुटुंब में हो, हर किसी यूथ में हो। देखो ऐसी मित्रता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो धर्म का सब जगह संचार होगा। तेल और पानी की तरह मत करना कभी, तेल और पानी की तरह नहीं करना। क्यों? तेल पानी आपस में मिले, तेल सिर पे बैठ गया। किस पे बैठ गया? तेल सिर पे बैठ जाता है, देखो ना, पानी के ऊपर ऊपर दिखता है, देखा आपने कभी? ठीक है, दीपक में भर दिया, अहंकार अच्छा नहीं होता, और दीपक जलाया गया तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तेल तेल जल गया, पानी रह गया, क्या हो गया? तेल जल गया, पानी रह गया। क्यों? क्योंकि जो सिर पे बैठता है वो जल जाता है। इसलिए तेल पानी की तरह नहीं, दूध पानी की तरह मित्रता होना चाहिए। ऐसा प्रवचन वत्सल धर्म के रहा है। साधर्मियों के प्रति हमेशा स्नेह रखो अपने जीवन में, और स्नेह का मतलब ये है उठो उठाओ की भावना, जगो जगो। इसका स्नेह का ये मतलब नहीं है कि तुम गलत काम करो फिर भी हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तुम सामायिक नहीं करो कोई बात नहीं, नहीं की तो अच्छी बात, प्रतिक्रमण नहीं किया अच्छी बात, स्वाध्याय नहीं, अरे नहीं, इसका नाम मित्रता नहीं है, वत्सल नहीं है, ये वात्सल नहीं है। वात्सल का मतलब ये है अगर उसने अपने कर्तव्यों को पालन नहीं किया तो प्रेम से समझा करके, देखो सामयिक नहीं करना चाहिए, आपने नहीं की तो आपका कर्तव्यहीन हो गया, आपके गुण समाप्त हो जाएंगे, इतना पाप लगेगा। तो उसको कर्तव्यों में दृढ़ कर देना, अच्छे भाव से उसको स्थिर कर देना, इसका नाम है वात्सल। ऐसा नहीं तुम जानो तुम्हारा काम, तुम टूटते रहो गिरते रहो, नहीं करो हमारा क्या जा रहा है, ना बाबा ऐसा नहीं होता है। हम देख रहे हैं आप वो सो रहे थे, सामायिक का समय हो गया, हमने नहीं जगाया उनको, डिस्टर्ब कौन करेगा, भैया सो रहे थे। अब उसका सामायिक भी छूट गया, प्रतिक्रमण भी छूट गया, तुमने बहुत अच्छे काम किया, नहीं किया, गलत काम किया है। वात्सल होता तो उसको उठा देते आराम से, देखो भैया सामायिक का समय है, आप उठा देते, पूजन करने का समय है, चलो पूजन करना, अभिषेक करना है, अब बेटा सो रहा है सोने दो, ऐसा लाड़ मत करो, ये कोई प्रेम वात्सल नहीं है, बेटा को आराम से प्रेम से उठाओ, चलो बेटा चलते हैं, भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, चलो आहार देंगे, महाराज श्रीया है, प्रवचन सुनेंगे, भैयावृत्ति करेंगे, अपने बेटों को साथ में लाना, इसका नाम प्रेम वात्सल है। तो कर कोई बात नहीं बेटा, नहीं इसका नाम संतोष भैया, ओहो संतोष भैया तो नाम है पीछे बैठे जो, तो हम अपने जीवन में ऐसा प्रेम वात्सल हो, ऐसा धर्म प्रवचन वात्सलत है, एकदम निस्वार्थ निश्चल अकृत्रिम स्नेह का नाम, गाय बछड़े का दृष्टांत दिया, इसको अपने जीवन में उतारें, पानी और दूध की तरह मिलो, कैंची लेकर के मत चलो, सुई बनो, जोड़ो तोड़ो मत। ओम नमः शिवाय।